हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हो रही है बिल्कुल शाम, 6 बज चुके हैं और मैं बैठी हूँ बिस्तर में। ये देखो, मैं ऐसे ही बैठ गई थी। तो आज मॉर्निंग से कुछ ऐसा कुछ खास काम हुआ नहीं है, तो आपको पता ही है, जैसे कि मेरे थोड़ा बैक में दिक्कत है, तो मैंने अपना नॉर्मल बस काम ही किया है। ऐसा कुछ स्पेशल ना कुछ बनाया, ना कुछ अलग से कुछ काम किया है। तो अब चलते हैं हम अपने डिनर की तैयारी करने के लिए। और आज डिनर में हम बनाएंगे भिंडी, और भिंडी भी हम सिंपल भिंडी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे दही वाली भिंडी। तो उसके लिए मैंने अपनी भिंडी को कट करके और प्याज कट करके, हरी मिर्च, अदरक, ये सब चीज़ें कट करके अपनी तैयारी मैंने कर दी थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी बिस्तर में थोड़ी देर के लिए। मौसम जैसे थोड़ा ठंडा है तो मन करता है ना कि बार बार थोड़ी देर बाद फिर आती हूँ, फिर इसमें बैठ जाती हूँ, आपको पता ही है। तो इसलिए मैं इसमें बैठ गई थी। अब मैं उठूँगी और अपना डिनर तैयार करूँगी। तो अभी वैसे टाइम है, 6 बज रहे हैं, तो इतनी जल्दी तो कोई नहीं खाएगा, बट लेकिन ये है कि सब्जी को बना के रख दूँगी आटा गूंद के। तो फिर उसके बाद जब कोई खाएगा तो रोटी बनाने के लिए मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो लगातार कंटिन्यू फिर खड़े होना पड़ता है ना, तो वो काम मेरा बहुत इजी हो जाता है। जैसे अभी बना के फिर मैं बैठ जाऊँगी, फिर उसके बाद जब खाएंगे तो तभी बस साथ साथ बनाऊँगी, बच्चे खाते रहेंगे, ये भी खाएंगे, लास्ट में मैं भी खाऊँगी, और फिर उसके बाद किचन साफ़ करके बैठे रहेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हम लेट ही सोते हैं, इतनी जल्दी तो सोते नहीं। 9 बजे के अप्रोक्स हम खाना खाते हैं, 8:30 पौने 9, मतलब ऐसे। तो चलते हैं फिर अपने किचन में। ओके, मिलते हैं आपको किचन में आगे ब्लॉग में। ओके, देखो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दही वाली भिंडी। तो उसके लिए हमारा तेल देखो गर्म हो चुका है, मैंने लो फ्लेम कर दी इसकी अभी। और ये देखो, मैंने प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट और दही वाली भिंडी हम बनाएंगे आज। तो हींग और सारे स्पाइसेस अपने रख लिए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी भिंडी की सब्जी को बनाना। ये मैंने बास्केट में कट के रखी है भिंडी को, ठीक है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तेल हमारा काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है, तो इसमें डालेंगे साबुत मिर्च और 2 चम्मच जीरे, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हींग, और अब डालेंगे हम इसमें ये कटी हुई इसमें प्याज और हरी मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। और हम अपनी गैस की फ्लेम को करेंगे लो मीडियम। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, और ये देखो हमारे प्याज काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। देखो, इनमें ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, ये देखो, ठीक है। तो अभी हम इसमें भिंडी डालेंगे। ये है मेरी भिंडी, और मैंने इसको अच्छे से पोंछ के और काट के रख दिया था, और अब हम ये सारी इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसको अच्छे से अभी हम चलाएंगे। हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके प्याज नीचे रहें तो वो जल जाएंगे, इसलिए इनको अलट पलट कर लेंगे।
अभी हम थोड़ी देर में इसमें नमक मिर्च स्पाइसेस अपने मिक्स करेंगे, थोड़ा इसको तेल के साथ भूनने देंगे ना। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अब हमारी भिंडी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तेल में। अब हम अपने सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स करते हैं। ये डाल रही हूँ मैं हल्दी, और ये डाल रही हूँ लाल मिर्च, और ये है गरम मसाला, ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये है नमक टेस्ट के अनुसार, आप चाहें तो इसमें चाट मसाला और किचन किंग मसाला भी मिक्स कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ताकि नमक मिर्च हमारा एक जगह पे ना रहे, वो सब जगह पहुंच जाए, इसलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे खुला पकने देंगे। अगर हम इसे ढकेंगे ना तो इसमें भाप जमने लगेगी और भाप जमने की वजह से ये पानी छोड़ेगी तो वो भिंडी का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। हम इसे खुला ही बिना ढके ही इसको पकाएंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने ना भिंडी के सेंटर में थोड़ी सी जगह बना ली है, उससे क्या होता है ना कि सारा तेल देखो सेंटर में आ जाएगा, ये देखो। तो मैं अपना जो ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, वो एक चम्मच जितना मुझे चाहिए, मतलब एक बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, तो वो मैं सेंटर में डाल दूँगी। उससे क्या होगा कि वो अच्छे से पक जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं उसे पहले डालना भूल गई, तो ये अच्छे से अभी अपने आप ही पक जाएगा। बीच सेंटर में मैंने जगह खाली करके और तब उसको डाला है, तो आपको दिखाती हूँ पकने के बाद। इस मसाले को हम सेंटर में ही जैसे चलाते रहेंगे एक दो बार, तो ये यहीं पर पक जाएगा, क्योंकि भिंडी ना चारों तरफ हो गई है तो सेंटर में उसका तेल जो है वो अपने आप ही आ जाता है। ये देखो, तो उसको चलाते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे अभी मसाले को। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा मसाला जो है सेंटर से ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको पूरी सब्जी में मिक्स कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हमारी भिंडी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कर्ड को, यानी दही को। तो दही को हम इसमें लास्ट में इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसे पहले करते तो ये कई बार ना फटी फटी सी हो जाती है मसालों की वजह से ना, तो फटी फटी सी हो जाती है, तो इसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आ पाता, और ये नीचे से ना मसाला इसका वैसा हो जाता है ना, गाढ़ा टाइप का, तो ये जलने भी लगता है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने इसको लास्ट में डाला। उसको चलाते हुए अच्छे से हम इसे बार बार चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि ये चिपकना शुरू करेगी अब नीचे से। तो अपनी भिंडी को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको फिर से चलाएंगे। हम इसे बार बार चलाते हुए ही भून के अच्छे से पका लेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हम इसे फिर से चलाएंगे और देखो इसने चारों तरफ से ना अपना घी रिलीज करना शुरू कर दिया है। देखो आपको दिख रहा होगा ना, और इसने दही का देखो कहीं पता नहीं चल रहा है, और इसने अपना चारों तरफ से घी रिलीज करने शुरू कर दिया। इसका टेस्ट ना इतना बढ़िया आता है ना, ऐसा लगता है जैसे घी में हमने इसको बनाया हो। सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है इसमें, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखो इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आपको लग रहा होगा ना कि कहाँ है, दिखेगी, ये होगा, कुछ नहीं। इसको पूरी, परांठे, रोटी आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो थोड़ी देर और चलाएंगे हम इसको। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाएंगे,
2 मिनट के लिए, और उसके बाद हमारी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। देखो ये देखो, आपको पास से भी दिखाती हूँ, ये देखो। देखो फ्रेंड्स, ये देखो कितना इसमें ना घी, ये देखो कितना घी छोड़ दिया है इसने और ऑयल छोड़ दिया है। ये देखो, इसका मतलब है कि हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखो, और ये सब्जी खाने में इतनी टेस्टी होगी ना, बहुत ही बढ़िया। कभी मैं आपको ड्राई भिंडी भी किसी रेसिपी में शेयर करूँगी। भिंडी बहुत सारे तरीके से बनाई जाती है, एक एक करके मैं सबको शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये अब हमारी भिंडी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब हम चलते हैं अपनी डिश को सर्व करने के प्रोसेस में। ये देखो हमारी भिंडी कितनी लाजवाब लग रही है ना, बिल्कुल टेम्पटिंग, और बच्चों को खाने में पूरा मज़ा आ जाएगा, बड़ों को भी। देखो इसको पूरी, पराठे, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में। और अगर थोड़े भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन आता है, तो उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि उससे मेरी जो नई नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और प्लीज़ सपोर्ट मी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। बाय बाय।